वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मेरी नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं हरी। मैं आप सभी का होम रेसिपी चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं फ्लफी स्पॉन्जी एग आमलेट। आपने आज तक बहुत से वीडियो देखे होंगे फ्लफी आमलेट के, लेकिन हम जैसा चटपटा तीखा स्पाइसी आमलेट खाना पसंद करते हैं, वैसा फ्लफी स्पॉन्जी एग आमलेट का वीडियो शायद ही आपने कभी देखा होगा। जैसा आमलेट हम इंडियंस खाना पसंद करते हैं, वैसा ही इंडियन स्टाइल फ्लफी स्पॉन्जी एग आमलेट बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 3 अंडे लिए है, इसका एक आमलेट बनाएंगे। आप चाहे तो 2 या 4 अंडों का भी आमलेट बना सकते हो। पहले हम अंडों का येलो पार्ट और व्हाइट पार्ट अलग अलग निकाल कर लेंगे। पहले हम व्हाइट पार्ट को जार में डालेंगे और उसे फेट कर लेंगे। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आप इसे चम्मच से भी फेट सकते हो, लेकिन आपको इसे कम से कम 10 मिनट तक फेटते रहना होगा। ये देखिए, ऐसा छाक जैसा होना चाहिए। अब हम इसे अलग से एक बड़े से बाउल में निकाल कर लेंगे। येलो पार्ट को भी फेट कर लेंगे। अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। व्हाइट पार्ट में जैसा छाक बना था वैसा येलो पार्ट में छाक नहीं बनेगा, तो रेगुलर जैसा फेटते हैं वैसा फेट कर हम इसे भी व्हाइट पार्ट में मिक्स कर लेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि दोनों एक साथ फेट सकते थे, ऐसा नहीं होता। एक साथ फेटने से ये जितना फूला है उतना एक साथ फेटने से नहीं फूलता। नॉनस्टिक के पैन में 1 चम्मच ऑयल डाल के बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालते हैं। प्याज को ज्यादा नहीं भूनना, बस आधा मिनट ही भून लेना होगा। प्याज हरी मिर्ची को पैन में फैला कर रखेंगे। अभी हमने जो अंडों को फेट कर रखा था उसे डालेंगे। इसे डालते समय ध्यान रखिए कि गैस का फ्लेम स्लो रखना होगा। चम्मच की हेल्प से हल्के से चम्मच चलाते हुए इसे सेक देंगे। अभी हम इसके ऊपर स्वाद अनुसार नमक छिड़क कर लेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर भी छिड़केंगे। अगर आपको तीखा खाना पसंद नहीं है तो आप इसे प्लेन भी रख सकते हो। लास्ट में धनिया पत्ता से दानिश करेंगे। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इस पैन को कवर करके 5 मिनट गैस का फ्लेम मीडियम करके रखना है। पाँच मिनट बाद देख लीजिए, हमारा इंडियन स्टाइल फ्लफी स्पॉन्जी एग आमलेट बनकर तैयार है। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर ये ठंडा भी हो जाए ना, तब भी गर्मा गर्म आमलेट खाने में जितना टेस्टी लगता है वैसे ही इसकी टेस्ट बरकरार रहती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें।